Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. She came from a small village, but she had giant dreams. The tragic story of 19-year-old Sudiksha Bhati has caught India's attention. We travel to Deris Kaner, a little-known corner of Uttar Pradesh, past lush green fields where the bajra is almost tall enough to touch the sky, through uncemented, winding rural trails that are bumpy and uneven, and run parallel to railway tracks where trains chug past every few minutes. Sudiksha grew up in poverty. Her father, Jitinder Bhati, was a tea vendor, barely making ends meet. But Sudiksha not just topped the examination with a 98% score, she even won a full scholarship to the United States, making her the first girl from her village to go abroad for higher education. It was the coronavirus pandemic that led to her returning home to visit her family. This week, she was meant to fly back to America on a special Vande Bharat flight. Her family says her uncle and cousin took her on a motorcycle to say goodbye to her relatives in Bulandshahr when tragedy struck. Authorities say it was a straightforward accident and there is no evidence of any harassment. Her family, on the other hand, says she was harassed and chased by men on a separate motorcycle. They point to this CCTV footage. They say they had to brake suddenly and Sudiksha was thrown off. Her family says all they want is justice. The police says call records place the uncle, said to be driving the motorcycle, several kilometers away from the accident site. So was this an accident or was it a case of harassment? The probe will decide that. But either way, this is the tragic story of a girl interrupted. उत्तर प्रदेश के डेरी स्कनर गांव में ये सुदीक्षा भट्टी का घर है जहां सबका ही दिल टूटा हुआ है। मैं सुदीक्षा के परिवार के साथ बैठी हूं और पूरा देश अब जान चुका है कि सुदीक्षा की एक तरह से जो ट्रेजेडी हुई, 20 साल की लड़की जो अमेरिका में पढ़ती थी, स्कॉलरशिप पे गई, इस गांव की एक टॉपर थी और कैसे उसके सपने बीच में ही रुक गए। उसके परिवार के मुताबिक ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो मोटरसाइकिल पर जा रही थी अपने रिश्तेदारों से मिलने और उसको अमेरिका वापस जाना था, तो कुछ आदमियों ने पीछा किया, हैरेस किया और इसकी वजह से उसके अंकल को एकदम से ब्रेक मारनी पड़ी और सुदीक्षा गिरकर उनकी डेथ हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं, उनके भाई बहन बैठे हैं, उनके पिताजी यहाँ हैं और उनकी माँ गीता जी भी यहाँ हैं और उनका हाल तो आप देख ही सकते हैं, बोलने की कंडीशन में तो नहीं है। और हम उनको तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पूरे देश में ये कहानी जो है लोग समझ पाएँ कि इसकी असलियत क्या है और क्या हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली के मुताबिक वो हैरेस हुई, पब्लिक स्पेस में उनको हैरेस किया गया दो स्ट्रेंजर्स ने बाइक पर और इसीलिए उनका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस कहती है हम इसको अभी इसकी जांच कर रहे हैं। हमारे साथ जितिन जी हैं, वो हैं फादर हैं सुदीक्षा के। आप दुकान चलाते थे चाय की? चलाता था और फिर लॉकडाउन में बंद हो गए? बंद। मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा इस समय आपके लिए बात करना, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए आप बताइए कि हुआ क्या एग्जैक्टली। वो अपने मामा के वहाँ जा रही थी जी, कि बुलंदशहर से अनूपशहर रोड जाता है, उस पर 2-3 किलोमीटर दो बाइक सवार ने उन्हें परेशान किया और तीसरे चौथे राउंड में उनके आगे कट मारा और ब्रेक मारकर उनको गिरा दिया। वहीं पर सुदीक्षा की डेथ होगी और वो बच्चे लेफ्ट साइड में घायल होकर गिर गई और वो बाइक लेकर फरार हो गए। तो आपका मानना है कि उनको, क्योंकि सड़क पर उनके साथ इस तरह से हैरेसमेंट हुई, उनको तंग किया गया, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ? जी बिल्कुल। आप बताइए कि अभी तक सरकार की तरफ से जांच तो हो रही है, वो लोग क्या कहते हैं आपको? मतलब अभी तक वो हैरेसमेंट तो नहीं माने, वो कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बोल रहे हैं अभी तक तो। तो आप क्या चाहते हैं एक फादर होने के नाते? सही न्याय हो, निरपक्ष जांच हो, निरपक्ष जांच हो। और जो मेरी बच्ची चाहती थी, मेरी बच्ची के सपने तो वो पूरे नहीं कर सकते, पर जो मेरी बच्ची चाहती थी और बच्चों के लिए वो इतना काम करें,
तो गांव के बच्चों को पढ़ाती भी थी ना? मैं और बच्चे के लिए जो चला काम करना चाहती थी और बच्चों के लिए, उसको सरकार पूरा करे। फादर कहते हैं कि सुदीक्षा के बहुत सपने थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पूरी स्कॉलरशिप में मैसाचुसेट्स में वो पढ़ रही थी और वो वंदे भारत की फ़्लाइट से वापस जाने वाली थी। अपने रिश्तेदारों को बस एक तरह से बाय करने के लिए गई थी बाइक पे। आप बहन हैं, आप क्या बोलना चाहेंगी सुदीक्षा के बारे में, कुछ बताइए। बस जस्टिस, जस्टिस जी, बस उन्हें जस्टिस मिले और कुछ नहीं। आपकी बड़ी बहन थी जी, बताइए उनके बारे में कुछ, बहुत सुने उनके बारे में। आपका नाम बच्चे? आशीष भाटी। अपनी बहन के बारे में बताओ, गांव के बच्चों को पढ़ाती थी ना? हाँ। क्या सपना था जितिन जी उनका, क्या बनने का? बच्चे यहाँ जाए। उसके सपने तो बदल गए। क्या हुआ? जब 8th क्लास में पढ़ती थी तो जब ही उसने अपने सपने बदल दिए थे। मेरी सोच, मेरी बच्ची की सोच शुरू से एक थी, पर 8th क्लास के बाद में वो पापा, मैंने बोला सुमन की बेटा IAS PCS बन जा, यहाँ तक पहुँच जाइए। बोल पापा क्या बनूँ क्या बनूँ, मैंने क्या IAS PCS तक बन जाना। तो 8th क्लास के बाद बोली, जब 9th में आ गई, बोला पापा IAS PCS चल देखते हैं। और जब 10th क्लास में आई, वो 10th क्लास में आने के बाद में उसे 28 दिन को 4 सप्ताह को अमेरिका जाने को वो मिला था, बोलते हैं उसके लिए क्या बोल रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं नहीं इसको टूर जो मिलता है, एक्सचेंज प्रोग्राम वाला जो बोलते हैं वो मिला था। फिर वो आ गई 4 सप्ताह के लिए, जैसे ही वापस आई बोल पापा IAS PCS तो हो गया, नहीं बनना। वो एक डिस्ट्रिक्ट तक सिमट के रह जाता है, मुझे कुछ ऐसा करना हो जो दुनिया घूमूं, जो दुनिया में घूमूं, दुनिया में देखूं क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो 2016 में उसने वो सब इग्नोर करके उसी को ठान लिया, उसने इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी मेहनत चालू कर दी। उसको हमें मालूम होगी कि वहाँ से वो आते थे टूरिस्ट पे, वो आते थे अमेरिका से और देशों से भी आते स्कूल में, तो डोनेशन जो करते हैं वो आते थे सब। तो वहाँ से उसने बोला पापा अब इसी के लिए मेहनत करनी है। जब वो इंटर में थी तो नवंबर तक उसने उसी के लिए, ये जो अब उसको मिला था उसके लिए ही नवंबर तक मेहनत की उसने। नवंबर के जब उसका वो सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, ये डिक्लेयर तो बहुत बाद में हुआ था कि उसको स्कॉलरशिप मिल गई है, पर उसको पहले ही मालूम था कि उसको नवंबर में ही मिलेगी, 2018 में नहीं, 2017 नवंबर में उसको मालूम हो गया था कि मेरी स्कॉलरशिप फिक्स हो गई है। उसको मालूम था, हमें मालूम नहीं। एक बात बताइए, क्या सपना, आपने कहा कि उसके सपने बड़े हो गए, पहले था IAS IPS, फिर जब घूमा दुनिया देखी तो बोला मेरा सपना भी बड़ा होगा। अब उसके सपने बदलते जा रहे हैं। उनको कोई वहाँ पर भी मिला था जिसके नाम से इन कौन सी बनाई बेटा संस्था, उभरती शिक्षा संस्थान जो उसमें USA में चली हुई है, उसको यहाँ लाके उसे यहाँ रफ्तार देना था। जनवरी में उसने ये मॉडल यहाँ पे भेजा, फिर यहाँ स्टार्टिंग किया। जैसे उसका आने का टाइम हुआ तो उसी टाइम पे वो कोरोना का सिस्टम चल गया, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो आप एक बात बताइए, आपने चिट्ठी भी लिखी है, आपने चिट्ठी लिखी है न्याय मांगने के लिए अपनी बेटी के लिए, आपके लिए, आपके लिए न्याय क्या होगा, क्या नया होगा, आप किस क्या चाहते हैं? क्योंकि जांच तो हो रही है, अभी तक पुलिस शायद ये नहीं मानी कि भाई उनको सड़क पे तंग किया गया था इसलिए बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इसके भी अलग अलग वर्जन आ रहे हैं कि बाइक पे कितने लोग थे। तो आप जब न्याय की बात करते हैं परिवार, आप क्या चाहते हैं एक पिता होने के नाते? आप ऐसे हाथ कर रहे हैं, मुझे लोगों को समझाइए कि आपके दिल में क्या है। बहुत सवाल है मेरे दिल में, न्याय में क्या मांग सकता हूँ मैं, बोलिए। बेटी तो मेरी मिलेगी नहीं, जो करना चाहते थे वो भी पूरे नहीं होंगे सपने, वो तो सगले अधूरे रह गए। और न्याय में इससे ज़्यादा मैं क्या उम्मीद करूँ कि बेटी को एक जो जिसकी वजह से उनकी जान गई है, एक्यूरेट वही व्यक्ति वही बंदे उनको वो सज़ा मिले, कि दूसरी बेटी का ऐसा वो कंडीशन ना हो जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, ना ही किसी निर्दोष के साथ पुलिस गलत बर्ताव करे कि जासू कि हमारी बेटी को भी ये ऊपर ये करे कि उस बेटी की वजह से हमें परेशान किया जा रहा है, ना ऐसा भी वो करे कि सही मुजरिम को सही सज़ा सही समय पे दी जाए। आपकी क्या उम्र है? मेरी 17 साल। आपका क्या सपना है? मेरा सपना
मेरी दी का सपना था आईएएस बनने का, क्योंकि जो कि उनके लिए पापा ने देखा था, अब वो मेरा सपना बन गया था। अब आपकी बहन का सपना आपका बन गया। हाँ जी। और परिवार की तरफ से अगर आप एक चीज़ चाहें जो पुलिस और सरकार की वजह से हो, वो क्या क्या होनी चाहिए? आ जाओ, और भी बच्चे हैं यहाँ पर, भाई बहन सब हैं यहाँ पर, पाँच हैं। बैठ जा बच्चे, बैठ जा। आप बोलो, आपका नाम? मेरा नाम साथी। हाँ बोलो, आप बोलो, क्या न्याय होना चाहिए? सच आना चाहिए, बस यही। बस यही है, बस उनको वो पकड़े जाए, मेरी दीदी को रियल जस्टिस मिलना चाहिए। पिताजी होने के नाते और यहाँ पे भाई भी हैं, ये है पूरा परिवार। यहाँ पे दो बेटियाँ हैं, भाई हैं, पिताजी हैं और मम्मी हैं, और मम्मी को हम अभी तंग बिल्कुल नहीं करना चाहते। आखिरी आप क्या बोलना चाहेंगे कि सब दर्शक समझ पाएं कि आज आपके दिल में क्या दर्द है? अभी दर्द नहीं बोल पाऊंगा, दर्द नहीं बता सकता। इतना दर्द है कि बता ही नहीं सकते? हाँ, दर्द नहीं बता सकता, कोई नहीं समझ पाएगा मेरा दर्द कितना दर्द है। कोई नहीं समझ पाएगा मेरा दर्द, कहते हैं जितिन जी सुदीक्षा भट्टी के पिताजी। माँ तो कुछ बोल ही नहीं पाती, जो उनकी बहनें और भाई हैं वो कहते हैं कि जो हमारी दीदी का सपना था अब हमारा अपना सपना होगा। इस गांव में, इस घर में सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे साथ जो हुआ उसका सच निकल के आना चाहिए, और जिन्होंने ये किया उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए। एक लड़की थी 20 साल की, आप उसके बारे में सोचिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसका हंसता हुआ चेहरा, उसके कितने बड़े सपने थे, पहले आईएएस आईपीएस, फिर दुनिया घूमने के, कुछ कर दिखाने के, और वो चाहती थी कि हर लड़की की शिक्षा हो, हर लड़की कुछ आगे बने। बाकी लड़कियों के खातिर और इस परिवार के खातिर न्याय तो ज़रूर होना चाहिए और सच तो ज़रूर निकलना चाहिए।